अगर आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो या कॉम्बिनेशन हो, किसी भी टाइप की आपकी स्किन हो, लेकिन मॉइस्चराइज करना उसको बहुत ज़रूरी है. मॉइस्चराइज इन द सेंस, जैसे आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, वैसे ही आपको इसकी स्किन को भी ज़रूरत पड़ती है हाइड्रेशन की. आपको इसको स्किन को हाइड्रेट करना पड़ेगा, जो कि होता है मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइजिंग के थ्रू. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मॉइस्चराइज़र बता दे रही हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ पिंपल्स में यूज़ होते हैं, मतलब जिसको आप पिंपल्स में यूज़ कर सकते हो. एंड मोस्टली आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अगर आपकी पिंपल प्रोन स्किन है, आपके पिंपल होते हैं, तो आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहिए. बट ऐसा नहीं है, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, लेकिन मॉइस्चराइज़र ऐसा लेना चाहिए जिसमें कि ऑयल ना हो, क्योंकि आपके स्किन में तो पहले से ही ऑयल है. तो आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र लेना पड़ेगा जिसमें कि ऑयल प्रेजेंट ना हो, जो कि ऑयल फ्री हो. तो मैं कुछ यहाँ पे आपको मॉइस्चराइजर्स के नाम बताऊंगी जो कि ऑयल फ्री हैं. तो चलिए सबसे पहला मॉइस्चराइज़र हम जान लेते हैं. सबसे पहला मॉइस्चराइज़र जो है वो VLCC का लवंग मॉइस्चराइज़र है, जो कि मैं आपको फ़ोटो यहाँ पे डाल दूंगी उसकी पिक, तो आप देख लीजिएगा एंड प्राइस के साथ में. तो आपको VLCC का मॉइस्चराइज़र आप ले सकते हो, VLCC का लवंग मॉइस्चराइज़र. दूसरे नंबर पे अगर आता है तो हम बात करें तो एक सीटाफिल, जिस सीटाफिल पे, सीटाफिल का जो हमने फेस वॉश और लोशन लगाया था, सेम उसी का मॉइस्चराइज़र भी आता है. तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. अगर हम मेडिकल वे में जाते हैं कि मेडिकली अगर हमको कुछ ठीक करना है, तो आप सीटाफिल, मेरी रिकमेंड है कि आप सीटाफिल ज़रूर एक बार यूज़ करें, सीटाफिल वो मेडिकल स्टोर्स पे ही मिलता है. तीसरे नंबर पे अगर मॉइस्चराइज़र पे हम आते हैं, तो तीसरे नंबर का मॉइस्चराइज़र है जॉनसन बेबी ऑयल. हाँ जी, आपने ठीक, बिल्कुल ठीक सुना है, जॉनसन बेबी ऑयल. जॉनसन बेबी ऑयल जो है, जो आप बच्चों को नॉर्मल लगाते होंगे, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप आपको लगाना है और अपने चेहरे पर आपको लगा ले, मसाज कर लेना है. क्योंकि उससे क्या होगा कि जो जॉनसन बेबी ऑयल है उसमें ऑयल की मात्रा बहुत ही कम होती है, और जो भी ऑयल होता है वो बहुत हल्का होता है, जो कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपके फेस वॉश में. ये इफ़ेक्टिव भी है. एंड जो न्यूली मॉम है, जो जिनके बच्चे, जो बच्चों को लगाती हैं, वो तो अपना यूज़ कर सकती हैं. एंड चौथे नंबर पे अगर मैं कहूँ तो आपको न्यूट्रीजीना का, जो आपको मैंने फेस वॉश बताया था, सेम उसका लोशन भी आता है. ये थोड़ा सा महंगा होता है अगर कंपेयर करें और दूसरे उससे दूसरे मॉइस्चराइजर से, तो थोड़ा सा उससे लिटिल बिट महंगा होता है. बट ये अगर काम में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. तो आप न्यूट्रीजीना के प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस वॉश या फिर मॉइस्चराइजर, दोनों में. और अगर पांचवें नंबर पे कहूँ तो सबसे अच्छा, सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, अभी मैंने यहाँ पे रखी नहीं है, वो अंदर कबर्ड में, एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल जो होती है वो आप कोई भी एलोवेरा जेल उठा सकते हो, आप ग्रीन लीफ की ले लो, पतंजलि की ले लो, या फिर सिंपल आपके घर में अगर एलोवेरा का प्लांट है तो आप वहाँ से भी आप जेल निकाल सकते हो. मैं जो एलोवेरा निकालना, एलोवेरा जेल निकालना प्लांट में से कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर. आप उसकी हेल्प से, ये सबसे बेस्ट, अगर मुझे अगर बोला जाए कि अगर आप पांचों में से अगर कोई बेस्ट अगर मॉइस्चराइज़र चुनेंगे तो कौन सा होगा, तो मैं तो सबसे पहले एलोवेरा जेल, कि एलोवेरा जेल मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है. आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए एलोवेरा जेल. तो ये हो गए मॉइस्चराइज़र्स.